सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। संवेदनशील इसलिए है कि पिछले 75 साल से इस विषय पर अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से बात होती आई है। आज जो बातचीत हो रही है वो देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 3 दिन पहले जो मुद्दा उठाया गया उसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। किरण रिजिजू ने 27 अक्टूबर को एक लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री रहे देश के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लिया। संदर्भ उसमें कश्मीर नीति थी। कश्मीर नीति के संदर्भ में देश के वर्तमान कानून मंत्री ने देश को यह बताने की कोशिश की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किन गलतियों के चलते देश को आज तक उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने 5 गलतियों का उल्लेख किया सिलसिलेवार अपने लेख में, ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से, और बताने की चेष्टा की कि नेहरू निजी एजेंडे के चलते देश हित के साथ समझौता कर गए। क्या यह सच है? इस पर आज बात की जानी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि देश के कानून मंत्री क्या कह रहे हैं। उन्होंने जिन ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दिया है वो समय की कसौटी पर और सत्य की कसौटी पर कितने करें? क्या वाकई पंडित नेहरू ने किसी निजी स्वार्थ के चलते कश्मीर के मसले पर गलती की, या उस समय के जो हालात थे उसके चलते नेहरू ने जो किया वो सही था? एक वर्ग है इस देश में जो ये मानता है कि कश्मीर अगर आज पूरा भारत का हिस्सा नहीं है तो उसका बहुत बड़ा कारण पंडित नेहरू के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना था। पंडित नेहरू ने उस समय पर जो कदम उठाए उन कदमों का सही ना होना भी एक बड़ा कारण था। पर इसके उलट ऐतिहासिक तथ्य इस बात की भी गवाही देते हैं कि कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है तो वह केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी नीति का नतीजा है। हवाला यह दिया जाता है कि जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो आजादी की शर्तों के तहत जो हिस्सा भारत का या अविभाजित भारत का अंग्रेजों के कब्जे में था वह तो दो हिस्सों में बट ही गया, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में धार्मिक आधार पर जो विभाजन था। इसके अलावा एक स्थिति थी, वह स्वतंत्र रियासतों के संदर्भ में थी जो तकरीबन 565 थी। उनको यह विकल्प दिया गया था कि वह अपनी इच्छा अनुसार भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का विकल्प चुन सकते हैं। जिस प्रकार की भी परिस्थितियां बनी, कुल मिलाकर 3 स्टेट के संदर्भ में उल्लेख आता है कि जिन्होंने स्वतंत्र रहना चाहा, उनमें एक हैदराबाद के निजाम थे, दूसरे जूनागढ़ के नवाब थे और तीसरे कश्मीर के महाराजा उस समय के हरि सिंह थे। यह तीनों लोग अपनी स्थितियां स्वतंत्र रूप से चाहते थे, पर जूनागढ़ के संदर्भ में वहां के नवाब ने पाकिस्तान में मिल जाने का फैसला किया। अंतर केवल इतना था कि जहां कश्मीर के संदर्भ में बताया जाता है कि वहां का राजा हिंदू था पर बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम थी, इसके ठीक उलट जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था लेकिन वहां की प्रजा बहुसंख्यक हिंदू थी। लिहाजा नवाब के फैसले के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया और कुल मिलाकर पाकिस्तान के द्वारा जूनागढ़ को अपने देश में मिला लेने के ऐलान के बाद भी वह भारत की कोशिशों के चलते सफल नहीं हो पाया। पर कश्मीर के संदर्भ में हालत जुदा थे। महाराजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र सत्ता चाहते थे, बाद में जब वो परिस्थितियों के चलते भारत के पक्ष में आने को तैयार भी हुए तो वहां की आबादी के मद्देनजर हालात इतने सरल नहीं थे। वहां के हालात को 3 दृष्टि से देखने की कोशिश की जाती है, एक पंडित नेहरू अर्थात भारत के संदर्भ में, दूसरी पाकिस्तान और मोहम्मद कायदे आजम जिन्ना के संदर्भ में, और तीसरी महाराजा हरि सिंह के संदर्भ में। पर इसके अलग एक चौथा पहलू भी है, वो था शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के तौर पर थे और कश्मीर की जनता के सबसे बड़ी आवाज थे। क्या पंडित नेहरू ने जो कुछ भी कदम उठाए वहां की जनता को भारत के साथ मिलाए रखने के लिए उठाए? क्या शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती उनके निजी स्वार्थों के चलते थी या देश हित की खातिर शेख अब्दुल्ला का साथ लेकर वहां की जनता को भारत के पक्ष में करने की कोशिश थी? ये कुछ ऐतिहासिक संदर्भ है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं और विचारधारा के संदर्भ में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराते हुए हम इस संवेदनशील विषय पर कुछ तथ्य परक बातचीत करें, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही दिया हुआ है, कमाल का विचार सूत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप तस्वीरों के चेहरे दीवार की तरफ मोड़कर इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। क्या खूबसूरती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। क्या अभी वही कोशिश की जा रही है या इस कोशिश को हमें किसी और रूप में देखना चाहिए? इसे जहन में रखते हो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। जिस विचारधारा से पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मृणाल पंत मौजूद है। मृणाल पंत अध्येता भी हैं, ओजस्वी वक्ता भी हैं और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के महामंत्री भी हैं।
हमारे साथ ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और इस किरण रिजिजू के दृष्टिकोण के संदर्भ में पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जयकिशन शर्मा जी हैं। जयकिशन शर्मा जी पूर्व सूचना आयुक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ विचारक हैं, स्वदेश जैसे समूह का लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व किया है। और इन सबके बीच में हमारे साथ में पीयूष बबेल जी हैं, प्रसिद्ध लेखक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नेहरू मिथक और सत्य, वह भी हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ओपी चौधरी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले किरण रिजिजू का बयान का एक हिस्सा सुनेंगे। सुनते हैं किरण रिजिजू जी ने क्या कहा। What our first Prime Minister Nehru ji did with Kashmir has caused so much of tragedy. It has drained out the nation's wealth. It has taken away lives, unaccounted lives of the jawans and the civilians. And because of that blunder, today Kashmir has unnecessarily become an issue. A disputed issue, which is not, it is in the integral part of India. So that is why it is very important that we take out the fault and build on that and set a correct narratives. तो यह है देश के वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू। उनका मानना है कि अनावश्यक रूप से देश को जो है परेशानी में डाल दिया गया। कश्मीर के मसले पर जरूरत ही नहीं थी इतने विवाद की। ओपी चौधरी जी मेरे साथ हैं। चौधरी जी जानना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश की आज़ादी दिलाने में जिनकी बड़ी भूमिका थी, देश के नवनिर्माण के संदर्भ में बड़ी भूमिका के तौर पर इस देश का एक भी बड़ा वर्ग उन्हें मान्यता देता है, परेशानी क्या है? वाकई नेहरू की नीति को आप सिरे से खारिज करते हैं या वर्तमान में सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कल के नायक को आज खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है आपके लिए, इसलिए ये कोशिश है? थोड़ा रोशनी देंगे जी। हिमांशु जी और हमारे सभी बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आज की डिबेट में हैं, सबको मेरा प्रणाम और सभी हमारे लोगों को। एक्चुअली जो नेहरू जी की जो नीतियां थी जी, जो उनकी सोच थी, उसमें बेसिक कई सारे प्रॉब्लम थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूंगा, मोतीलाल नेहरू जी के बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, बड़े क्लोज मित्र थे सैफुद्दीन किचलू जी, तेज बहादुर सपरू जी, और उनको नेहरू जी की उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उनके साथ हुई थी। इसी तरह से मैं पीएन नक्सल जी, धर जी, इनकी बात करूं जो बाद में इंदिरा जी के साथ बड़े रोल प्ले किए, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह की भूमिका में थे। इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा जी, कि जो नेहरू जी का जो विचार था जी, वो शेख अब्दुल्ला से और कुछ न कुछ रूप से बायस था जी। और जो कश्मीर है, जो उन्होंने कश्मीर में लेह भी है, लद्दाख भी है, जम्मू भी है, लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्र को उन्होंने शेख अब्दुल्ला के नजरिए से ही देखा। जब वो शेख अब्दुल्ला के नजरिए से देखते रहे, उसके कारण भी प्रॉब्लम हुई। डोगरा लोगों से, बुद्धिस्ट लोगों से, जम्मू के लोगों से, इनसे भी शायद बात किए होते तो उनका ओपिनियन, उनका विचार कुछ अलग होता। इसी तरह से एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, 1953-54 में जो पहली बार इलेक्शन हुए थे जी, उसमें कांग्रेस अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा था जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मतलब शेख अब्दुल्ला को पहले बहुत बड़े हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, बाद में वो किसी के कंट्रोल में नहीं आए। जब किसी के कंट्रोल में नहीं आए तो फिर उन्होंने ही जेल में डाल दिया। तो काफी कंफ्यूज रहे, उनके बेसिक माइंडसेट में, उनकी सोच में काफी प्रॉब्लम्स थे, इसके कारण से पूरा रायता फैलता चला गया। 562 देशी रियासतें, देशी रियासतों का एकीकरण का मुद्दा था जी, सारे के सारे कश्मीर को छोड़ करके सरदार पटेल ने 561 देशी रियासतों के एकीकरण का बीड़ा उठाया, सबके सबका एकीकरण हो गया। केवल कश्मीर में नेहरू जी आए और उनके जो बायसनेस थे, उनके जो सोच में बेसिक माइंडसेट में जो प्रॉब्लम था, उसी कारण से सारा रायता फैल गया। ये मुझे ऐतिहासिक संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से दिखाई दे। चलिए सर, मैं दो बिंदुओं पर आपसे दृष्टि चाहूंगा। क्या आप वाकई बाकी रियासतों के मसले को और कश्मीर के मसले को एक नजरे से देखते हैं? देश का जो विभाजन हुआ था वो विशुद्ध धार्मिक आधार पर था। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने, हिंदू बहुल इलाके भारत का हिस्सा बने, ये ऐतिहासिक तथ्य है। क्या कश्मीर के संदर्भ में इस तथ्य को आप खारिज करेंगे कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां का शासक हिंदू था,
और जो जूनागढ़ का मैंने उल्लेख किया उसको ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था पर वहां की जनता बहुसंख्यक हिंदू थी। क्या आप नहीं मानते हैं कि ऐसी नाजुक परिस्थिति में शेख अब्दुल्ला का साथ लेकर ही हम कश्मीर को अपने साथ जोड़े रख सकते थे? नेहरू की इस दृष्टि पर आपको शिकायत क्यों है? नहीं, मेरा मानना है हिमांशु जी, जो जो इंडिपेंडेंस के लिए जो एक्ट बना था जी, उसमें एक तो सबसे पहली बात जनमत संग्रह का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और जहां तक अभी हमने आपने जैसे कहा कि बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, इसमें मैंने पहले ही रखा कि कश्मीर जब हम कहते हैं जी, जब हम कश्मीर कहते हैं तो उसमें लेह भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, जम्मू भी शामिल है। तो क्या हम लेह लद्दाख की भावना को, डोगरा लोगों की भावना को, बुद्धिस्ट लोगों की भावना को या जम्मू की भावना को दरकिनार कर सकते थे क्या? उसमें कश्मीर अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है, केवल उसमें घाटी वैली का पार्ट नहीं है, उसमें लेह भी है, लद्दाख भी है, जम्मू भी है। उस पक्ष को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बाद में तो स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स वो अलग ही करते गए, लेकिन मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि लेह लद्दाख जम्मू की भावना को हमेशा नेहरू ने केवल शेख अब्दुल्ला के चश्मे से देखने की कोशिश की कश्मीर को, इसीलिए ले लद्दाख के जम्मू की भावना को कभी नहीं देखा। तो ओपी चौधरी जी इसी राय के साथ में है, मृणाल पंत जी के पास रुक करता हूँ, मृणाल पंत जी से समझने की कोशिश करता हूँ। ओपी चौधरी जी का मानना है, जो किरण रिजिजू का भी मानना है, कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के मसले को शेख अब्दुल्ला के चश्मे से देखने की कोशिश की, जो कुछ भी किया गलत ही किया, फिर भी इस देश ने ऐसे व्यक्ति को बार बार चुनने की गुस्ताखी की। थोड़ी उलझन होती है मृणाल जी, थोड़ी उलझन को सुलझाइए ना, कहां समझने में चूक कर रहे हैं हम लोग? ऐसी इस बात पर आती है सबसे पहले तो जी कि कश्मीर के हिंदुस्तान में विलय पर नेहरू जी की भूमिका पर सवाल वो लोग उठाते हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके तत्कालीन अवतार आरएसएस, हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। जी जिन लोगों ने 1947 के पहले कभी इस बात की मांग नहीं की कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने, जी जिन लोगों ने कश्मीर के तत्कालीन राजा महाराजा हरि सिंह का इस बात पे समर्थन किया कि वह स्वतंत्र राज्य के रूप में उनको कश्मीर दे दिया जाए, भारत में उनका विलय स्वीकार नहीं किया जाए, वो लोग आज नेहरू जी पे सवाल उठा। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में कोई एकमात्र राजनेता अगर ऐसा था जिसने सबसे पहले यह कहा कि कश्मीर को भारत का भाग होना चाहिए तो वो पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू की पत्रों की एक किताब है जी। उसको अगर खोल के देखा जाए तो उन्होंने ही सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। उस दौर में जब बड़ा महान कार्य सरदार पटेल कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान की रियासतों को एक करने का, परंतु चूंकि कश्मीर में 70-75% मुस्लिम आबादी थी, मोटे तौर पे हिंदुस्तान में सभी लोग मानते थे कि वो पाकिस्तान में जाना चाहिए क्योंकि मुसलमान बहुल है, और इसी आधार पे आपने जैसा बताया भारत का विभाजन हुआ, तब केवल नेहरू थे जिन्होंने चिट्ठी लिख के सरदार पटेल को कहा कि कश्मीर किसी भी हालत में पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहिए और भारत सरकार इसके लिए कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी को तो पता नहीं है कि जब महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ, तो उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का तत्कालीन आरएसएस के लोग समर्थन किया करते थे जी। अगर भारत में मिलाना चाहते तो उसका विरोध करना चाहिए था ना। और जब पंडित नेहरू ने कश्मीर को भारत में मिला लिया, जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद जब भारत की सेना कश्मीर गई, तो एकमात्र व्यक्ति जिसको इस बात का श्रेय जाता है कि आज कश्मीर भारत में है तो पंडित नेहरू है। मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है हिमांशु जी कि जिस व्यक्ति पे देश को गर्व करना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों भारतीय जनता पार्टी को मिला के, वो पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति जिसने इस देश का निर्माण किया और इस देश को गढ़ा, उस पर इस तरह के झूठे आरोप शुरू से लगा दिया गया। क्या बिस्मार्क पे इस तरह के आरोप लगाने की हिम्मत है किसी पे जर्मनी? क्या अब्राहम लिंकन पे इस तरह के आरोप लगाने की किसी में हिम्मत है अमेरिका में? केवल हिंदुस्तान ही कृतघ्नों का देश है, केवल हिंदुस्तान ही फर्जी राष्ट्रभक्तों का देश है जो देश का निर्माण करने वाले ऐसे महान पुरुषों पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आता। तो मृणाल पंत इस बात से बेहद आहत हैं कि जिन पंडित नेहरू के लिए आज की पीढ़ी को आभारी होना चाहिए, उन पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पर ये भावनाओं के तहत बात है, तथ्यों के तहत भी तो बात होनी चाहिए। ओपी चौधरी जी हवाला दे रहे हैं कि जनमत संग्रह की बात क्यों आई, जनमत संग्रह की तो कोई शर्त थी ही नहीं, जो भारत के संदर्भ में विलय करने के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया थी। इसको लेकर कुछ कहेंगे मृणाल पंत जी?
क्यों पंडित नेहरू ने चाहा कि जन्म संग्रह कराया जाए? जन्म संग्रह इसलिए कराया गया क्योंकि कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की थी लेकिन राजा हिंदू था जी। इसके विपरीत जूनागढ़ में मेजोरिटी हिंदुओं को थी लेकिन नवाब मुसलमान था जी। और ये जो अधिकार था राज्यों को एक देश में मिलाने का, ये राजाओं को दिया गया जी। जूनागढ़ का नवाब तो पाकिस्तान में मिल गए थे, पाकिस्तान में जाकर बैठ गए थे, जूनागढ़ छोड़ के कराची में जाके उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के कागज पे दस्तखत कर दिए। अगर ये मान लिया जाए कि राजा के दस्तखत से ही ये काम हो जाता तो जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाता। यही वो महत्वपूर्ण बात है जिसके संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से देश को जानने की जरूरत है कि अगर हम कश्मीर के संदर्भ में पंडित नेहरू के कदम को गलत ठहराते हैं तो फिर जूनागढ़ को भारत में देखने की स्थिति में क्यों रहते हैं? जूनागढ़ के नवाब ने ठीक महाराजा हरि सिंह के तहत फैसला लिया था, महाराजा हरि सिंह ने भारत के संदर्भ में फैसला लिया, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के संदर्भ में फैसला लिया, लेकिन भारत ने नवाब के इस फैसले को नहीं माना, सैन्य कार्रवाई की, जनमत संग्रह कराया और उस जनमत संग्रह में 97% आबादी ने भारत के पक्ष में रहने के संदर्भ में फैसला लिया। मैं जयकिशन शर्मा जी के पास आना चाहता हूं इस चर्चा को विस्तार देने के लिए और जयकिशन जी आपसे समझना चाहता हूं तथ्यों की रोशनी में, क्या आप नहीं मानते हैं कि वर्तमान राजनीति की सुविधा के लिए अतीत के कदमों को इरादतन गलत ठहराया जा रहा है या वाकई हमारे देखने के संदर्भ में कोई नुक्स है और असलियत अब सामने आ रही है? पहले असल में असलियत तो सामने नहीं थी, सत्य क्या है? देखिए, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि संघ ने या जनसंघ ने या हिंदू महासभा ने जी कश्मीर के विषय पर ये मुद्दा ही नहीं उठाया, उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र राज्य महाराजा जैसा चाहते थे हरि सिंह वैसा बनाने के पक्ष में बढ़ दिया। ये बिल्कुल तथ्यों से परे है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हकीकत यह है कि संघ ने उस समय महाराजा हरि सिंह से कांटेक्ट किया था और उनको इस बात के लिए राजी किया था कि वो भारत संघ में विलय करें और वो तैयार भी हो गए थे। दरअसल मुद्दा शेख अब्दुल्ला से उनकी मित्रता का था, इसमें राजनीति कहीं नहीं थी। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे, मैं अपने मित्र को एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ जी कि और शायद कश्मीर के मुद्दे पर सबसे ऑथेंटिक अगर कोई हो सकता है तो वो डॉक्टर कर्ण सिंह हो सकते हैं जो महाराजा हरि सिंह के पुत्र थे जी। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है ऑटोबायोग्राफी जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू सिर्फ इस बात से नाराज थे कि वो शेख अब्दुल्ला का समर्थन करने के लिए कश्मीर जा रहे थे और महाराजा हरि सिंह ने उनको कश्मीर में प्रवेश करने से रोक दिया था जी और उनको वापस दिल्ली के लिए भेज दिया था। जवाहरलाल नेहरू इस बात से सख्त नाराज थे और इतने नाराज व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने लिया था और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कश्मीर को अपने पास रखा जबकि सारे राज्यों की सारे रियासतों को भारत में मिलाने का निर्णय गृह मंत्री को करना था और वो बखूबी सही ढंग से कर रहे थे। देश की सारी रियासतें भारत में विलीन हो गईं, लेकिन कश्मीर रह गया और कश्मीर इसलिए रह गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उसको अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा मैं इसको करूंगा। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ उनकी जो उस समय उनको जो कश्मीर नहीं जाने दिया उसकी खुन्नस इतनी गहरी थी कि उन्होंने कश्मीर के विलय के बाद महाराजा हरि सिंह को कश्मीर में नहीं रहने दिया, उनको कहा कि आप बंबई जाइए। उन्होंने उनके लड़के डॉक्टर कर्ण सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और वहां की जो जो वोट बैंक है जो हिंदुओं का वोट बैंक जो कश्मीर में उन्होंने इतना फैलाना कर दिया था कि जिसके कारण सारा मुस्लिम वोट तो शेख अब्दुल्ला के साथ था और हिंदू वोट उनसे कट चुका था। तो उन्होंने कर्ण सिंह को अपने साथ रखा और महाराजा को बंबई भेज दिया, ये हकीकत है। तो इसलिए कश्मीर की जो समस्या है उसका एकमात्र जो आज समाधान नहीं है और जो प्रॉब्लम है जी, थोड़ा इतिहास पे और दृष्टि डालते हैं ना, ये महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला को लेके बात कर रहे हैं, कश्मीर के हालात इतने आसान थे क्या?
क्या इस सच्चाई से आप इंकार करेंगे कि कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बाकायदा अभियान चल रहा था, शेख अब्दुल्ला उसका प्रतिनिधित्व करते थे, वहां पर बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी लेकिन उच्च पदों पर कश्मीरी पंडित थे और उसके तहत वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति पिछले 15 सालों से चली आ रही थी। क्या आप नहीं मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला का साथ लिए बगैर कश्मीर की जनता को इस बात के लिए तैयार करना नामुमकिन था कि वह भारत के साथ बने रहने के लिए तैयार हो जाए? आज तक तो चुनौती है भारत के साथ वहां की जनता को बनाए रखने के संदर्भ में। आज भी हम लोग बोलते ही हैं कि वहीं पर बैठे हुए कुछ लोग इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं, आतंकियों के मददगार बने रहते हैं, इस सत्य को नकार देंगे जयकिशन जी आप? नहीं नहीं, मैं एक बात और कह रहा हूं कि आखिर जब विलय हो, जब भारत, जब उनको शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने वहां का मुख्यमंत्री बनवा दिया जी, ठीक है जी, उसके बाद अगर शेख अब्दुल्ला इतने लोकप्रिय थे और इतने महान नेता थे तो फिर उनको जेल में क्यों डाला जवाहरलाल नेहरू ने? क्या आप नहीं मानते जयकिशन जी की जो उस समय की जरूरत थी 1947 के दौर की, शेख अब्दुल्ला ने जब उसकी कीमत जरूरत से ज्यादा वसूलनी चाहिए तो जिस शेख अब्दुल्ला के साथ मित्रता का हवाला दिया जाता है, पंडित नेहरू ने इस देश की खातिर ही उन शेख अब्दुल्ला को 11 साल तक जेल में डाले रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की सराहना नहीं करना चाहेंगे? इसके लिए भी आप आलोचना ही करना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं एक बात जो गंभीरता से कह रहा हूं वो ये है कि ये समस्या होती नहीं अगर ये मामला सरदार पटेल खुद देख रहे होते। आपको मैं एक बड़ा रोचक तथ्य बता रहा हूं। 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव होना था जी, और वहां राज्यों के प्रांतों के जो चुनाव जो प्रतिनिधि होते थे वो चुनाव करते थे कांग्रेस प्रेसिडेंट का चार्ज हो रहा है जी। उस समय 15 प्रांत थे और 15 प्रांत में से 12 प्रांतों ने सरदार पटेल के लिए स्वीकृति दी थी कि इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाए जी। लेकिन महात्मा गांधी ने उनसे त्यागपत्र लिया जी, सरदार पटेल से जी, और जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनवाया जी, क्योंकि उस समय यह था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा जी, ठीक है। उसके बाद अपने मध्य प्रदेश के जो डीपी मिश्रा थे जी, उस समय वो गृह मंत्री थे जी, और उन्होंने सरदार पटेल का समर्थन किया था जी। सरदार पटेल को उन्होंने गुस्से में पत्र लिखा जी कि आपने ऐसा कैसे किया, हमने आपके पक्ष में वोट दिया और आप उधर चले गए जी। तो उन्होंने डीपी मिश्रा को पत्र लिखा जी, और उस पत्र में जो शब्दों का उपयोग किया है, मेरे कांग्रेस मित्र बड़े नाराज जाएंगे, तो मैं नहीं कह रहा हूं ये जी। ये जैसे आजकल अपन राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, आमतौर पर लगाए जाते हैं कि वो बचकाना स्वभाव है उनका, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो सरदार पटेल ने लिखा कि पंडित नेहरू अक्सर बच्चों जैसी नादानी कर बैठते हैं जी, जिससे हम सभी के सामने बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती जी। इस तरह की मुश्किलों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा था, कश्मीर में उनके द्वारा किया गया कार्य, संविधान सभा के लिए सिर्फ चुनाव में हस्तक्षेप और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के तुरंत बाद उनके द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी कार्य उनके भावनात्मक अस्वस्थता को दर्शाते हैं जी, जिससे इन मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए हमारे ऊपर काफी दबाव आ जाता है जी। ये सरदार पटेल ने डीपी मिश्रा जो बाद में लोह पुरुष भी माने गए, जैसे आपको ये पत्र याद है, ऐसा आपको पत्र याद है ना, ये मुरली मनोहर जोशी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी, माननीय यशवंत सिन्हा जी, इन सब ने भी वर्तमान सरकार के संदर्भ में लिखा था। हम अतीत के जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं, भविष्य में ऐसे पत्रों का हवाला वर्तमान निजाम के संदर्भ में भी दिया जा सकता है, इसका आपको इल्म है? क्या कहेंगे आप? नहीं, उसका मेरे को इल्म नहीं है जी, क्योंकि मैं कश्मीर के बारे में पढ़ रहा था इसलिए मेरे पास वो है जी। और जो मैंने आपको करण सिंह का उदाहरण दिया, करण सिंह के बारे में कहा है, वो उनकी पुस्तक में है, युवराज नाम से, वो हिंदी में है, अंग्रेजी में तब प्रिंस है। तो जयकिशन शर्मा जी ने कई सारे तथ्य रखे हैं, मेरे पास इसका उत्तर देने के लिए शख्स मौजूद है, उन्होंने तो किताब ही लिखी है, नेहरू मिथक और सत्य, पीयूष बघेल जी मेरे साथ में है। पीयूष जी, जयकिशन शर्मा जी तथ्यों की रोशनी में बात कर रहे हैं,
वो डीपी मिश्रा को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला दे रहे हैं, वो कर्ण सिंह की आत्मकथा का भी हवाला दे रहे हैं, कुछ ओपी चौधरी जी ने भी कहा है। ऐसे में आपके पास जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है नेहरू जी के संदर्भ में मिथक और सत्य बताने के संदर्भ में। क्या कहते हैं आप, क्या मिथक है और क्या सत्य है? हिमांशु जी, मेरा गुजारिश ये है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि हाफ ट्रूथ एंड लाइज। तो जो मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं डीपी मिश्रा जी से शुरू कर लेता हूँ जी। डीपी मिश्रा जी ने बाद में अपनी जो किताब लिखी जिसका जिक्र आपने किया, उस किताब में साफ साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी, उस समय वो ये महाकौशल कहलाता था जी, उसने ये लिख के भेजा था कि हमने सपोर्ट इसलिए किया था सरदार पटेल का कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हमारे दिमाग में तो ये दूर दूर तक नहीं था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये डीपी मिश्रा ने ही लिखा है। और मैं पटेल ए लाइफ राजमोहन गांधी की किताब से कोट कर रहा हूँ जी। दूसरी बात, हमसे पूर्व वक्ता ने कही कि नेहरू जी वहां चले गए थे कश्मीर और वहां उन्हें लौटा दिया था और उससे नेहरू जी बहुत खुन्नस खा गए थे। एक शब्द वो छोड़ गए, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और उस पर सरदार पटेल ने फटकार लगाई थी कि आप किस व्यक्ति को कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ा गया था। तो उस पर गुस्सा नेहरू तो जो हुए मैं नहीं कह सकता, लेकिन पटेल बहुत गुस्सा हुए थे और महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हुए थे और देश में बहुत उबाल था जी। ये कुछ अभी मैं और बातें सिस्टमेटिक कर लेते हैं कि दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। ये पता नहीं राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग कुछ भी बातें कर रहे हैं। मैं नेहरू कोई भगवान नहीं थे, गलतियां उनसे भी हुई होंगी, लेकिन कम से कम जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और जिस दिन किरण रिजिजू जी ने ये ट्वीट किया था तो मैंने उसका प्रतिवाद भी किया था सिस्टमेटिक, मैं उसको यहाँ दोहरा देता हूँ, कुछ बातें कह देता हूँ जी। पहली बात, किरण रिजिजू ने कही कि उसमें जनमत संग्रह का कोई मामला नहीं था। जूनागढ़ में भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ जी। और उस समय के इस किताब में मेरे पास उपलब्ध है, सब लिखा हुआ है, अन्य जगहों पर भी हुआ जी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि देश का कानून मंत्री ये कहता है कि उसमें कश्मीर की जनता की इच्छा जानने की कोई बात नहीं थी। क्या हमने एक इतने बड़े साम्राज्य को हराया था, तो साम्राज्य को क्या इसलिए हराया था कि जवाहरलाल नेहरू देश के तानाशाह बन जाएं या महात्मा गांधी तानाशाह बन जाएं? उस साम्राज्य को इसीलिए तो हराया गया था, हटाया गया था कि एक एक जनता के मन का हिंदुस्तान बने। तो ऐसे में इस बात पर बहस करना कि वो जनमत जनता का मत लेना गलती थी, ये तो कुछ ही तानाशाह की भाषा मुझे लगती है जी। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ूं, धारा 370 को लेकर भी उन्होंने उसमें कुछ कहा था, ये मैं बहुत तथ्यात्मक और ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं, इसमें कोई हाफ ट्रूथ एंड लाइज नहीं है, सब आप चेक कर सकते हैं जी। कि धारा 370 जिस दिन भारत की संविधान सभा में पास हुई है, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे जी। और कांग्रेस के बहुत से सदस्य इसका विरोध कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने सभा की कार्यवाही रुकवाई अध्यक्ष से कह के, और सबको बाहर बुला के एक छोटी सी मीटिंग ली, उसमें समझाया कि ये बहुत बड़ा कूटनीतिक विषय है, डिप्लोमेटिक विषय है, भारत के भविष्य का विषय है, इस पे आप लोग जो हमने डिसीजन लिया है उसे माने। और उसके बाद आम लगभग बिना बहस के धारा 370 संविधान सभा में पास होती है। उस समय इसका नाम धारा 370 नहीं था, कुछ और था, मैं वो फिगर भूल रहा हूँ, बाद में 370 इसे कहा गया। और किसी ने विरोध नहीं किया था, सिर्फ जो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गजल, उसके शायर हैं, उन्होंने अकेला विरोध किया था। वो भी इसलिए नहीं किया था कि भारत का कोई कंसर्न उन्हें था, वो बड़ौदा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस दिन संविधान सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने एक शब्द भी धारा 370 पास होने के खिलाफ नहीं बोला था। तीसरी बात, जो कबायली हमले को लेकर ये कही जा रही है, इस किताब में मैंने लिखा है, और ये सरदार पटेल का चुना हुआ पत्र व्यवहार जो उनके निजी सचिव थे वी शंकर, और वी शंकर खुद भी बहुत इन्वॉल्व थे, उन्होंने संपादित किया है, और उसकी भूमिका में लिखा है कि सरदार पटेल के ऊपर जो कुछ लांछन लगे हैं उनका प्रतिवाद करने के लिए मैं ये किताब पत्राचार छाप रहा हूँ जी। तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि जब हम वहाँ जाते हैं, ये कबायली हमला होना था, उसके 1.5 महीने पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि इस रूट से इतने कबायली इतने हथियारों के साथ एंट्री कर सकते हैं, और हमें किसी भी रूप में आप महाराजा हरि सिंह को समझाइए कि सितंबर तक या सितंबर के अंत तक वो भारत में विलय कर लें, क्योंकि अक्टूबर में बर्फबारी होने लगेगी, मौसम खराब हो जाएगा, तो अगर युद्ध की स्थिति या कोई स्थिति आती है तो हम उसको डील करने में कठिनाई आएगी। फिर कबायली हमले के 15 दिन पहले फिर सरदार पटेल को नेहरू जी ने पत्र लिखा कि इस तरह की स्थिति है, उन्हें जल्दी समझाइए, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कॉम्प्लेक्स इशू था। यहीं मैं एक बात और जोड़ लूँ जो पूर्व वक्ताओं ने कही कि कश्मीर का मुद्दा अकेला
नेहरू जी देख रहे थे और बाकी राज्यों का सरदार पटेल देख रहे थे, ये मतलब बचकाना बात है, शरारतपूर्ण बात है और वाहियात बात है। क्या आज अमित शाह कोई ऐसा काम कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी सोते रहेंगे घर पे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा संवेदनशील इशू पे? आप देश के प्रधानमंत्री को मजाक समझ रहे हैं। अब इस पे मैं आपको दृढ़ता से बताता हूं कि राजा हरि सिंह से बातचीत का चैनल चल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से ये। और शेख अब्दुल्ला से बातचीत का चैनल खुला हुआ था जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। उसके पहले तक तो शेख अब्दुल्ला जेल में थे और उनको फिर कहने पे छुड़वाया गया, तो इन्होंने शेख अब्दुल्ला को लगभग अपनी हर बात के लिए तैयार नेहरू जी ने कर लिया था कि हम जैसा जैसा करेंगे वैसा होता चले। लेकिन राजा हरि सिंह बहुत ही अनप्रडिक्टेबल थे, और मैं फिर कोट करता हूं, मैं किसी कांग्रेस के नेता का नहीं कर रहा हूं, मिशन विद माउंटबेटन किताब है जो एलन कैंपबेल जॉनसन जो प्रेस अटैची थे माउंटबेटन के उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब पहली बार माउंटबेटन मिलने गए राजा हरि सिंह से, तो उसके पहले उन्होंने सरदार पटेल से बातचीत की और सरदार पटेल ने यह कहा कि हम कश्मीर समस्या का समाधान चाहते हैं, अगर राजा हरि सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये कंसर्न सरदार पटेल ने दी, जाहिर है कि उन्हें डिप्लोमेटिक रूप से दी हो। एक बात और लगा लूं मैं कि जब हम उसमें गए हैं संयुक्त राष्ट्र में गए हैं उसके जो है 15 दिन या 20 दिन पहले, डेट सब लिखी हुई है मैं आप सबको दे दूंगा, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं जी, उन्होंने राजा हरि सिंह को पत्र लिखा कि ये जो झगड़ा चल रहा है इसकी स्थिति ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में जाने वाला है और वो वहां जाके फरियादी बन जाएगा और हमें ये दिखाएगा कि भारत आक्रांता है, तो बेहतर ये होगा कि हम पहले चले जाएं वहां पर और हम फरियादी बन जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 100 नंबर की गाड़ी पे आजकल कोई फोन लगाता है, कोई एक्सीडेंट सड़क पे हो जाए तो जो 100 नंबर की गाड़ी पे पहले फोन लगाता है पुलिस आके कहती है साहब ये पीड़ित है भले ही उसने टक्कर मारी जी। और नेहरू जी आगे ये लिखते हैं कि जब तक ये जाएगा इसको सुनवाई में आने में कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा जी। इस बीच हम अपनी सैनिक कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे और जितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उन पर कब्जा कर लेंगे। और आखिरी में उसमें जो लाइन लिखी जो नेहरू ने शायद कभी किसी पत्र में नहीं लिखी होगी लेकिन राजा हरि सिंह को लिखी, लेकिन फिलहाल इस बात को गुप्त रखना अति महत्वपूर्ण है। तो भारत के लिए वो जिस हद तक जा रहे हैं, और ये कहानी यहां रोकने के बाद 1 मिनट अगर अनुमति हो तो और मैं कह दूं जी कि ये भारत के विभाजन का सिद्धांत क्या था जी। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे, और अगर बॉर्डरिंग कोई राज्य है और हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है तो उनका बंटवारा हो सकता है जी। ये बात आप कहो तो उसमें जो जिसको रिजिजू कह रहे हैं कि उसमें एग्रीमेंट में तो नहीं लिखी थी। एग्रीमेंट अगर जो हूबहु शब्दों पे आप जाओगे तो ये भारत और पाकिस्तान अकेले नहीं बनते, 650 भारत बनते यहां से हर स्टेट के, तो क्या उस एग्रीमेंट को रिजिजू मानना चाहते हैं? एक एग्रीमेंट लिखित में होता है और टेबल्स पे बैक द टेबल्स बातचीत होती है। ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने रखे, आगे आप कुछ और बातें कहेंगे तो मैं उस पर कह सकता हूं। पीयूष गोयल जी ने काफी तथ्यात्मक बातें रख दी हैं, जब मृणाल पंत कह रहे थे उस समय पे भी ओपी चौधरी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे, कुछ सवाल हमारे साथ उनसे बात करने के लिए। चौधरी आपको नहीं लगता है कि ये कहना बड़ा आसान है उस समय अगर आपने ये किया होता तो ठीक होता, उस समय अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, आज क्या कर रहे हैं इसको लेकर बात करें? धारा 370 के संदर्भ में सवाल करते हैं। धारा 370 जिस स्वरूप में थी उसमें बहुत बदलाव तो पहले भी हो चुके हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया जिसके आधार पर हम उपलब्धि के तौर पर माने? क्या कश्मीर में आतंकी गतिविधियां आपने दावा किया था खत्म हो जाएंगी? क्या कश्मीर के संदर्भ में आतंक खत्म हो गया? क्या कश्मीर के लोग आज भी अपनी प्रतिनिधि चुन पाने का अधिकार हासिल कर पाए हैं? आज 4 साल होने के लिए आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है इन सवालों के भी उत्तर चाहिए होंगे? या नेहरू को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने से आज के सवालों को आप कुछ समय के लिए टाल सकते हैं? नहीं हिमांशु, निश्चित रूप से आज के सवालों से भी हम टकराएंगे और आज के सवालों का जवाब देकर ही हम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे आदरणीय मृणाल जी मेरे से सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा विवादित सा लाइन बोल दिया इस डिबेट में, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको विनम्रता। हिंदुस्तान फर्जी राष्ट्रभक्तों का देश है, ये उन्होंने लाइन बोल दिया है। हिंदुस्तान के बारे में ऐसी मानसिकता ना रखें, या उनसे गलती से शब्द निकल गए हो तो उन्हें वापस लेने, ये मैं विनम्रता पूर्वक उनको वरिष्ठ होने के नाते निवेदन करता हूँ। पहला विषय ये है जी। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बीजेपी के बहुत सारे विषयों को कोट किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए ठीक है आप जो भी कहें, लेकिन इस देश के लिए एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इसकी लड़ाई
अगर किसी व्यक्ति ने पूरी सन्निष्ठता के साथ लड़ी है, पूरे कर्मठता के साथ लड़ी है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, और उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के और तत्कालीन जनसंघ के एक नेता के इस योगदान को कभी आप ना भूलें और उसको आप भी स्वीकार करें, इस देश का जनमानस भी उसको स्वीकार करता है। ये मैं दूसरा विषय रखना चाहता हूँ। तीसरा विषय जो आपने कहा, जो नेहरू जी के बारे में जितनी बातें हो रही है उसमें तीन चार जो उनके इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम सबको भी मैं रेखांकित करूंगा, और उसके उससे शायद पीयूष जी भी सहमत होंगे, जय किशन जी सहमत होंगे, मुझे विश्वास है पीयूष जी भी सहमत होंगे कि जो अचानक युद्ध विराम को उन्होंने फैसला लिया, चंद घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और शायद भारतीय सेना को मिल जाते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विषय शायद न रहता, एक विषय जो युद्ध विराम को उन्होंने निर्णय लिया। दूसरा, इस मैटर को यूनाइटेड नेशन में लेकर गए। आज हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, तो आप जवाब दे दीजिएगा पीयूष जी, एक बार मेरी बात खत्म होने दीजिए। जो आज हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं तो बहुत बहुत एक अलग संस्था है, लेकिन हम कल्पना करें 1948 के समय की, जब 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, और उस सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते ही उस संस्था की कितनी क्रेडिबिलिटी रही होगी और किस तरह का वर्ल्ड आर्डर जो है, विश्व की जो वैश्विक व्यवस्था कितना इस्टेब्लिश रही होगी, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन में चले गए। यूनाइटेड नेशन में जब जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो उन्होंने रिजॉल्व किया, जो पास किया, उस पे तीन शर्तें थी। पहला था कि भारत युद्ध विराम करे, दूसरा था कि पाकिस्तान की सेना पीछे हटे, पाकिस्तान की सेना वापस चली जाए, तब जाकर जनमत संग्रह की बात यूनाइटेड नेशंस के जो कमीशन है उसमें आया था। तो जनमत संग्रह यहाँ जो हम बोलते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का भी उसमें प्रस्पेक्टिव और उसके पहले के दो शर्तों का भी प्रस्पेक्टिव है। भारत उसको मान गया, यूनाइटेड नेशंस मान गया, सॉरी नेहरू जी मान गए, भारत मान गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना कभी वापस ही नहीं की, इसलिए जनमत संग्रह की जो आज कवायद होती है वो बिल्कुल बेमानी है, बिल्कुल गलत है, ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा सच है। अब आपने कहा कि वर्तमान संदर्भों की, तो वर्तमान संदर्भों के लिए नेहरू जी ने खुद कहा था इस बात को कि जब उन्होंने 370 लागू किया था, हालांकि 370 के संदर्भ में और भी बातें हैं, सरदार पटेल को भी कोट किया गया, तो मैं भी एक कोट करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो कि पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सारे सेक्शंस को ड्राफ्ट कर रहे थे, उन्होंने 370 आर्टिकल को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया, और बाद में नेहरू ने शायद गोपाल स्वामी अयंगर जी से ड्राफ्टिंग करा के उसको लागू करवाया था, यह भी एक इतिहास का तथ्य है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, नेहरू जी ने खुद कोट किया था कि ये घिसते घिसते खुद समाप्त हो जाएगा 370, ये उन्होंने नेहरू जी ने खुद कहा था 370 के संदर्भ में। लेकिन कांग्रेस की राजनीति से कि मैं आलोचना करूंगा, उसकी घोर निंदा करूंगा कि उसको बनाकर रखे गए, अल्टीमेटली जो तुष्टीकरण की अपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस की रही, उसके कारण से 370 को समाप्त नहीं किया गया, उस पर छूने तक का काम नहीं किया गया। आज 35(1) को और 370 को अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटाती है तो पूरा भारत का जनमानस उसके साथ खड़ा होता है, और इस बात में कदापि कोई संदेह नहीं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश के अंदर एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की जो बात कही थी उसको एक पूर्णता मिली। सरदार अभी मृणाल जी ने बिस्मारक की बात कही थी नेहरू जी के लिए, बिस्मारक की अगर बात अगर हमको देश में करना ही है तो हम सरदार पटेल के लिए करेंगे, पूरा देश सरदार पटेल के लिए करेगा, वो भी कांग्रेस के नेता थे, फिर भी हम सरदार पटेल के लिए, सरदार पटेल के लिए आपको बात करने में इसलिए सहूलियत तो नहीं है क्योंकि सरदार पटेल की विरासत में कोई अभी सक्रिय राजनीति में नहीं, ओपी चौधरी जी, ये सवाल लोगों के जहन में आता है। बहरहाल, आप धारा 370 के संदर्भ में पंडित नेहरू को कोट कर रहे हैं कि पंडित नेहरू ने कहा था कि घिसते घिसते वो खुद समाप्त हो जाएगी, इस विचार के लिए आप नेहरू जी की सराहना करते हैं या इसके लिए नेहरू की आलोचना करते हैं? एक आपने बताया एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, प्रधान के संदर्भ में तो कांग्रेस के शासनकाल में फैसला लिया गया था, जो सदर रियासत और प्रधानमंत्री के संदर्भ में थे ये तो 1965 में ही समाप्त हो गए थे, ये भी ऐतिहासिक संदर्भ है। इसके लिए धारा 370 की समाप्ति संबंधी जो कानून की बात आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनको उत्तर मिलने चाहिए। पीयूष बवेली जी के पास मैं आना चाहता हूं और ओपी चौधरी जी इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं कि अचानक युद्ध विराम जो नेहरू ने किया वो गलती थी, अगर भारतीय सेना को थोड़ा समय और मिला होता तो पाक अधिकृत कश्मीर के हालात नहीं बनते, यह एक वह प्रश्न है जो लोगों के जहन में रहता है। क्या इसके लिए हम नेहरू को दोषी ना माने या इसके संदर्भ में कोई और तथ्यात्मक सच्चाई है जो पीयूष जी सामने आनी चाहिए? मानसूची बहुत दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ, ये कोई एक झटके में युद्ध विराम नहीं हुआ, ये सिर्फ
हिंदुत्ववादी संगठनों का फैलाया हुआ मायाजाल है। उस समय को उठा के देख कितनी लंबी बातचीत चली है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एक झटके में युद्ध विराम हो गया, ये झूठ है जी। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ दूं कि 35 ए भी जो लगाई गई थी वो राजा हरि सिंह की विशेष मांग पे लगाई गई थी जी। और ये जो फिर मैं कहता हूं कि अगर इतना सब आसान है ये तो यहां हम बैठ के बात कर सकते हैं जी। तो जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ उसके बाद हमने क्यों नहीं कर लिया एक घंटे के अंदर, या उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भी युद्ध हुआ और हम लाहौर तक चले गए और वो भी काफी अंदर, तो हमने क्यों कब्जा नहीं कर लिया। और मैं आगे पूछता हूं, थोड़ा बुद्धि को हमें मौका देना चाहिए आवेश के ऊपर, कि अमेरिका तो बड़ा ताकतवर देश है जी, अफगानिस्तान में 20 साल रहा उसके बाद लौट के क्यों चला गया वो। तो आप कहीं की जनता का अगर मन नहीं जीत पाओगे तो वहां रह नहीं सकते हो, रहोगे तो ताकत के बल पे रहोगे, ताकत में भी खर्चा होता है जी। आज रूस यूक्रेन पे हमला किए, इतना समय हो गया, लोग सोचते थे चुटकियों में हो जाएगा। तो ये अनावश्यक फिल्मी चीजें नहीं है कि फिल्मों में डायलॉग होता है, इमोशंस होते हैं, अब उस तरह की ये बातें कही जा रही हैं, इनका कोई औचित्य नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं है। मैं वापस जयकिशन जी आपके पास आना चाहता हूं। नेहरू को कटघरे में खड़ा किया था कश्मीर नीति के संदर्भ में शेख अब्दुल्ला से मित्रता को लेकर, असल मुद्दा यही है। क्या जयकिशन जी आप इस व्यवहारिक कुशलता के लिए नेहरू की सराहना बिल्कुल नहीं करना चाहते कि जब वहां की आबादी मुस्लिम बहुल थी और भारत के साथ कश्मीर को जोड़े रखना था, तो उस जनता पर जिसकी हुकूमत थी, उस जनता का जो सबसे बड़ा नेता था, उसकी भावनाएं भारत से जोड़ ली जाए, अगर इस रणनीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दौरान काम किया तो इसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए या उसकी आलोचना होनी चाहिए, ये सवाल है। देखिए ऐसा है कि बेशक जवाहरलाल नेहरू की सराहना हो सकती थी अगर शेख अब्दुल्ला, उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र जो 10 साल तक शासन में रहे, हाँ, तो ये कंटिन्यूटी में ये जितने साल कांग्रेस की सरकार रही पूरे देश में, उतने साल या उससे ज्यादा साल शेख अब्दुल्ला परिवार की सरकार वहां रही। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इनकी सराहना करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो सीधा प्रश्न उठता है कि आखिर इतने साल बाद भी जो शेख अब्दुल्ला इतने लोकप्रिय माने जा रहे हैं, इतने बताए जा रहे हैं, तो फिर वो उन कश्मीरी जनता पर असर क्यों नहीं पैदा कर पाए, वो भारत से क्यों नहीं जोड़ पाए, क्यों वहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे लोग पैदा हुए, क्यों दूसरे आतंकवादी संगठन पैदा हुए। देखिए सीधी सीधी बात है कि जैसे ही शेख अब्दुल्ला के पाकिस्तान के शासकों के साथ संबंध थे, ये फैक्ट है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान से उनकी डील चल रही थी कि पाकिस्तान अगर उनको प्रधानमंत्री मान लेता है वहां का तो वो उसके साथ चले जाएंगे, और ये अंत तक चलता रहा और आज भी चल रहा है। आज भी जो अगर आप फारूक अब्दुल्ला के बयान सुने तो वो क्या है, वो क्लियर कट है कि उनका भारत से कोई लगाव नहीं है। जयकिशन जी मेरा सवाल है कि 1947-48 के दौरान क्या आप नहीं मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथ खड़ा कर पाए थे? क्या आप मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला उस समय पाकिस्तान के साथ थे, फिर भी पाकिस्तान के चाहने के बावजूद भी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो पाया, वाकई आप ऐसा मानते हैं? देखिए नेहरू को सबसे बड़ा डेंट लगा था चाइना 1962 में जी, जब चाइना ने भारत पर अटैक किया और जमीन हड़प ली जी, ये सबसे बड़ा डेंट था। उसके बाद नेहरू की जो लोकप्रियता जो उन्होंने बनाई थी वो सारी की सारी धूल धूसरित हो गई जी, और इसलिए नेहरू को ऐसा कोई कदम लेना था जिसमें वो दिखा सकें कि वो कश्मीर को किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे, और किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। उसी समय शेख अब्दुल्ला इस कोशिश में थे कि किसी भी तरह से हम कश्मीर को अपने साथ ले जाए जी, माने अपने साथ ले जाए माने पाकिस्तान में ले जाए जी, और इसीलिए वो ऐसी डिमांड्स कर रहे थे नेहरू के लिए। चूंकि लोकसभा में, राज्यसभा में और पूरे देश में नेहरू की पिक्चर बिल्कुल डाउन हो गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल या आप कहें कि उस समय जनसंघ के नेताओं की इमेज बढ़ रही थी क्योंकि वो सरदार पटेल का समर्थन कर रहे थे, और इसलिए नेहरू राजनीतिक तौर पर मजबूर हुए थे कि उनको जेल में डाला जाए।
मैं कहीं ना कहीं जयकिशन जी आप तथ्यों में उलझ गए। चीन का हमला 1962 की कहानी है, और जहां तक शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मसला है तो शेख अब्दुल्ला तो 1954 में ही जेल में डाल दिए गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत से कुछ महीने पहले ही उनको रिहा किया गया था। तो कुल मिला के ये तथ्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इस दुनिया को बहुत पहले ही छोड़ गए थे, वो तथ्य भी आपकी जानकारी में ही है। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, मृणाल पंत को हस्तक्षेप करने जा रहे, एक बार मृणाल पंत जी का हस्तक्षेप सुनता हूँ। जी मृणाल जी, दो तीन मसलों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी, पहला, अगर 370 कश्मीर के लिए खराब है जी, तो जब कश्मीर के लिए 370 हटाई गई तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, वहां से 370 क्यों नहीं हटाई गई? जी, ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर के लिए 370 खराब है लेकिन वहां के लिए 370 अच्छी? बताना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को कि ऐसा भेदभाव वाला रवैया। दूसरा, पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी अपने आप में राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जी। वो वर्तमान प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल जैसा नहीं है जहां बौने कद के नेता है जिनका एकमात्र काम केवल चरण वंदना करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई भी ऐसा निर्णय स्वीकार नहीं कर सकते थे जो हिंदुस्तान की राष्ट्र के हित में ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कोई निर्णय स्वीकार नहीं कर सकते थे। बाकी जितने मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो आज के नेताओं से कई गुना ज्यादा हिंदुस्तान के लिए समर्पित और साथ में काम करने वाले नेता थे पंडित नेहरू। आप देखेंगे कि कश्मीर को लेकर जितना वार्तालाप हुआ, जितनी बार आना जाना हुआ, वो बीपी मेनन ने किया, गृह मंत्रालय के दूतों ने किया, वो पंडित नेहरू ने सीधे आना जाना और संवाद नहीं किया। तीसरी बात, कश्मीर को लेके और शेष भारत को लेके, कि पंडित नेहरू ने समय और परिस्थिति के अनुकूल संयुक्त राष्ट्र वाला निर्णय लिया। अब ये कहना कि संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा कि पाकिस्तान की फौज पीछे हटे, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि यह गलत कहा संयुक्त राष्ट्र? और जब शिमला समझौता हुआ तो उसमें जनमत संग्रह की बाध्यता समाप्त हो गई है। आज जनमत संग्रह की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए कश्मीर का हित कांग्रेस पार्टी की सरकार के रहते ही पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्यों पंडित नेहरू पे ये आक्रमण होता है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह को बचाना चाहती। महाराजा हरि सिंह को क्यों बचाना चाहती? क्योंकि ये राजे महाराजे जनसंघ, आरएसएस और हिंदू महासभा को फंड किया करते थे, उनको आर्थिक सहायता देते थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के और संघ के और तत्कालीन हिंदू महासभा के नेताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरि सिंह, जिन्होंने अंत तक खुद राज करने की कोशिश की और भारत में विलय से इनकार किया, उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू पर आक्रमण करती है। हमेशा राजा महाराजाओं के साथ रही है, भारत की जनता के साथ नहीं रही है। कांग्रेस जनता के साथ रही लेकिन भाजपा उधर महाराजा हरि सिंह के साथ रही, जयपुर के राजा मानसिंह के साथ रही जिन्होंने महाराणा प्रताप की हत्या की, राजमाता सिंधिया जी के परिवार के साथ रही जिन्होंने लक्ष्मी बाई के साथ गद्दारी की, और राजा महाराजाओं की पार्टी संघ हिंदू महासभा का एक गठजोड़ इस तरह से निरंतर लगा हुआ है। चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिनिधि पंडित नेहरू थे, इन राजशाहियों के खिलाफ थे, इसलिए संघ, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा आज तक पंडित नेहरू पर आक्रमण। महाराज हरि सिंह के बचाव के लिए भाजपा थी, और महाराजा कर्ण सिंह जो है कांग्रेस के नेता बनकर जाने कितने समय तक घूमते रहे, बड़ा विरोधाभास है मृणाल जी। राजमाता सिंधिया का उल्लेख भाजपा के साथ कर दिया, जो माधवराव सिंधिया कांग्रेस की मजबूती के लिए कितना पानी डालते रहे, खून बहाते रहे, पसीना बहाते रहे, इसका उल्लेख है। राजा दिग्विजय सिंह इस समय पर किस तरीके की पदयात्रा 75 साल की उम्र में कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो कई तथ्यों से अलग ना हो जाए, विषय पर बने रहते हैं। ओपी चौधरी जी को कुछ ऐतराज हो रहा था मृणाल पंत जी के संदर्भ में, एक बार उनके ऐतराज को सुनते हैं और फिर आखिरी बातचीत जी के लिए पीयूष जी के पास चलते हैं। जी जी हिमांशु जी, मृणाल जी ने कहा कि 370 इतनी बुरी है तो वहां नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हटाई गई, तो मैं मृणाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया मोदी जी की सरकार के द्वारा वो गलत कदम था क्या? मैं ये पहला पूछना चाहता हूं। और आज मतलब जो बोल रहे हैं आपकी, आपने कहा था कि सरदार पटेल के साथ रहना आपको बड़ा सुविधाजनक होता है, ये तो इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस एक परिवार की जागीर बन गई। मैं तो बोलता हूँ कि देश में आर्थिक सुधारों का महानायक कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से शुरुआत हुई,
लेकिन कांग्रेस ही है जो उनके शव कांग्रेस के ऑफिस में भी नहीं रखने देती है। एक परिवार की जागीर बन गई, उसके कारण की समस्या है। हम तो बोल रहे कश्मीर के हीरो सरदार पटेल थे, आर्थिक सुधारों के हीरो नरसिम्हा राव है, लेकिन लेकिन ये खुद ही स्वीकार नहीं करना। बिल्कुल, हर वो व्यक्ति आपको हीरो के तौर पे स्वीकार है जिसकी पीढ़ी अगर राजनीति में भी सक्रिय नहीं है, अगर वो राजनीति में सक्रिय है तो फिर उसके पूर्ववर्तियों के संदर्भ में आपके पास सवाल है। गांधी परिवार चूंकि सक्रियता में है इसलिए नेहरू सवाल के दायरों में रहेंगे। ओपी चौधरी जी, ये बात समझ में आती है लोगों को? ऐसा नहीं है कि ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अभी हम गांधी परिवार पर बात नहीं कर रहे हैं। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल्यांकन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है कि उनकी नीतियों ने इस देश के लिए परेशानी पैदा की। मैं वापस बीजू जी आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, पंडित नेहरू चाहते क्या थे? क्योंकि किरण रिजिजू बार बार ये कह रहे हैं कि उनका पर्सनल एजेंडा था। क्या वो चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए? क्या पंडित नेहरू चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र तौर पर कश्मीर की सत्ता करें? क्या पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत भारत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं कश्मीर का कुल मिलाकर सर्वमान्य नेता हो जाऊं भले ही भारत का ना रहूं? था क्या पर्सनल एजेंडा? भाई कोई तो पर्सनल एजेंडा होगा ना, जिसका उल्लेख देश के कानून मंत्री कर रहे हैं। आप समझ पाए क्या? थोड़ा बताएंगे कि कश्मीर को लेकर पंडित नेहरू का पर्सनल एजेंडा क्या था? जी पीयूष जी, अब पर्सनल एजेंडा तो कुछ लोगों का आज है जो उनके राष्ट्रीय एजेंडे को पर्सनल बता रहे हैं। पर मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नेहरू ने बिल्कुल इसको स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं कश्मीर को इसलिए भारत में लाना चाहता हूँ कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ और 10 पीढ़ी पहले मेरे पुरखे वहाँ से उतर के इलाहाबाद आ गए थे, ये सब वाहियात बात है। मैं इसलिए कश्मीर को भारत में लाना चाहता हूँ और खासकर कश्मीर की घाटी को भारत में लाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। अगर आप कश्मीर घाटी से देखें तो एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ उस जमाने का सोवियत संघ है, एक तरफ चीन है, 5 देशों के बीच में एक इतने ऊंचे पहाड़ों पर एक बड़ी भारी घाटी है जो सिर्फ स्वर्ग अकेला नहीं है दुनिया का, जो रणनीतिक महत्व की बहुत जगह है। और थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो उस जमाने में वो कोल्ड वार का समय था, सोवियत संघ और अमेरिका एक एक तरफ हुआ करते थे और भारत का विभाजन ही इसलिए कराया गया था कि अमेरिका अपने बेस पाकिस्तान में बनाए और उसमें कश्मीर को भी शामिल होना था क्योंकि वो बेस अमेरिका का बनना था कश्मीर की घाटी में। तो नेहरू उसमें कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि भारत माता के मस्तक पर विदेशी शक्तियां नाचें, इसीलिए किसी भी सूरत में कश्मीर तो भारत में होगा ही, इसको भारत में रखना ही है। ये उनका एजेंडा है, ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में बोला है, मुख्यमंत्रियों को पत्र में लिखा हुआ है, ये पढ़ा जा सकता है। और दूसरी बात जो अभी बार बार आ रही है कि वो असफल है कि सफल है, अगर आप गौर से देखें तो 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया और कश्मीर में आतंकवाद कब फैलता है, 80s में आके। उसके पहले कश्मीर की कली और दुनिया भर की फिल्में बन रही हैं, भारत पाकिस्तान के मैच भी शायद उसके आसपास, भारत पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी वहां हुए हैं। तो अगर नेहरू जी की नीति में दोष था तो वहां आतंकवाद आने के लिए 35 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा, वो अगले दिन से आ जाता। तीसरी बात जो है, यूएन में गए उसमें बहुत उन्होंने रखा कि परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और परिस्थितियां और स्थिति ये थी जनमत संग्रह के समय। अगर आप जिन्ना और माउंटबेटन की बात देखें तो जिन्ना ने कहा मैं जनमत संग्रह नहीं चाहता क्योंकि जब तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं कश्मीर का एक एक आदमी भारत को ही वोट देगा, हमें वोट नहीं देगा। ये नेहरू की लोकप्रियता थी। और सबसे बड़ के बात मैं कहूं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी 1936 तक जी। जब भारत की आजादी का कोई बहुत सीन नहीं था तब शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कराया और उसको पूरा जनता की, कोई जनता की नुमाइंदगी के बिना कोई चीज नहीं होनी थी भले ही मंत्री जी कुछ भी कहें। तो उस जनता को आप उस कल्पना में जाइए कि हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के मार रहे हैं, उस समय कश्मीर का मुसलमान ये कह रहा है कि हम सेकुलर नीतियों के साथ और नेहरू के साथ और गांधी के साथ भारत में रहेंगे, भारतीय संघ में रहेंगे। इस महान बात की कल्पना करिए। आरएसएस की, हिंदू महासभा की और आज भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि ये कश्मीर से तो प्यार करते हैं, कश्मीरियों से प्यार नहीं करते। अगर आप हिंदुस्तान से प्यार करें और हिंदुस्तानियों से प्यार ना करें तो कैसा प्यार होगा? इस कंसेप्ट भी फ्लॉड है। तो अगर आप आज भी कश्मीर के लोगों से जितना ज्यादा प्यार करें, वो तो हमारे साथ ही नया 370 में जो एक तो बात जी ने काफी सारी बात कह दी पर आखिरी में जो टिप्पणी कर दी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ओपी चौधरी जी से मैं उसकी प्रतिक्रिया लूं। जी ओपी जी, क्या हुआ, पीयूष जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसने आपके मौन को तोड़ दिया? नहीं, मतलब पीयूष जी बोल रहे हैं कि कश्मीरियों से हम प्यार नहीं करते,
कश्मीर से करते हैं, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियत जमहूरियत की भावना पर विश्वास करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी साथ में राष्ट्र की एकता अखंडता इंटरनेशनल पीस हमारे देश की एकता अखंडता को हमारे नीति निर्देशक तत्वों का जो प्राइम ड्यूटी है उसके तहत स्वीकार करके चलती है। और इस बात से और साथ में मैं लास्ट में फिर से कहूंगा कि मृणाल जी ने हिंदुस्तान को फर्जी राष्ट्रभक्तों का देश कहा, उसे वापस। तो मृणाल जी बार बार ओपी चौधरी जी जो है फर्जी राष्ट्रभक्तों का देश कहने के संदर्भ में एतराज जता रहे हैं, आप कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे या आप अपने शब्दों के संदर्भ में कोई बात स्पष्टता के लिए कहना चाहें या शब्द वापस लेना चाहें? आपके लिए आखिरी मौका इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मैंने केवल इतना कहा है कि राष्ट्र के को गढ़ने वाले नेताओं के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ते हुए हम सबको सकारात्मक भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। वो देश के निर्माता है इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजनीति हम करें, वर्तमान के मसलों पर करें, अपनी सरकार जो है आज की उसकी जवाबदेहियों पर करें, वो सकारात्मक राजनीति होगी। 70 साल जो पहले हो गया उस पर कीचड़ उछालने और आक्षेप लगाने से राजनीति नहीं। ये एक भावनात्मक बात है, 70 साल पहले भी अगर कुछ हुआ है तो इतिहास के पन्नों का मूल्यांकन तो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। नेहरू ने जो कुछ भी किया उसकी समालोचना तो होगी, सही किया या गलत किया, इस अधिकार को वर्तमान पीढ़ी से छीना नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि उन्हें अपराधी करार देने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया में जो उन्हें सही मानते हैं उन्हें वो तथ्य लाके बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार नेहरू की नीतियों को कटघरे में खड़ा करती आई है। जिन्हें लगता है कि नेहरू की नीतियां सही रही हैं उन्हें तथ्यों के आलोक में उन नीतियों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, ना कि केवल भावावेश में बात कहकर अपनी बातों की तुष्टि कर लेनी चाहिए। पर इतना तय है कि नेहरू की नीतियों पर सवाल हो सकता है, नेहरू की नीयत पर सवाल नहीं हो सकता। नेहरू ने इस देश का भला चाहा, इस देश के लिए बेहतर चाहा, इस देश के लिए बेहतर करना चाहा। इस पर अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर हमारा स्पष्ट ऐतराज है। पर जहां तक बात रही नीतियों की, नीति किसी की भी रही हो वो हमेशा सवाल के घेरे में रहेगी और उसे सवाल की कसौटी पर हमेशा परखा जाता रहा होगा, फिर चाहे वो नेहरू जी रहे हो और चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद तथ्यों के आलोक में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की शेर का। हमारा आज का शेर कहता है, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, कि इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। निदा फाजली ने जो ये आह्वान किया है हमें इसे जहन में याद रखना चाहिए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सर्वनाम।